जो निर्मला सीतारमण देश के सामने पेश कर रही थी, निर्मला सीतारमण ने जो बड़ी बातें कही हैं उसके लिए अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि कोरोना की इस तीसरी वेव में सरकार की तरफ से क्या कुछ ऐलान हुए हैं ये बताने के लिए हमने देश का मेला आपके लिए सजाया हुआ है। जन मन धन 2022 में आपके लिए कितना कारगर साबित होगा ये बजट, अब इसका पूरा विश्लेषण सारे खास मेहमानों के साथ सुनने समझने के लिए तैयार हो जाइए, चाहे वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, चाहे वो यहाँ पर बैठे बिजनेस के तमाम विशेषज्ञ हो, आपको बहुत आसान भाषा में अब इस बजट के बारे में डिटेल में समझाने वाले हैं। लेकिन आप ये जानना चाहेंगे कि इस बजट में वो 5 से 10 बड़ी अहम बातें आपके लिए आने वाले साल में क्या रहने वाली है। ये निर्मला सीतारमण का अब तक का सबसे छोटा भाषण था, 90 मिनट में निर्मला सीतारमण ने अपनी सारी बातें देश की जनता के सामने रख दी। आप मत भूलिए कि बस अब कुछ ही दिनों में, लगभग 9 दिनों में 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल भी फूक जाएगा, वहां शुरुआत हो जाएगी। तो क्या इन 5 राज्यों में चुनावों का ख्याल रखा गया है इस बजट में, ये भी आप कुछ ही देर में समझ जाएंगे, क्योंकि अब डिटेल तरीके से आप ये जानने वाले हैं कि निर्मला सीतारमण ने देश को क्या कुछ दिया है सौगात में। लेकिन एक बड़ी बात आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इनकम टैक्स में, उसके स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्रिप्टो करेंसी जो कमाई होने वाली है उस पर अच्छा खासा टैक्स लगा दिया गया है। और ऐसी ही कुछ इंपॉर्टेंट बातों के लिए आप सीधा रुख करते हैं मेरी सहयोगी शोभना का, और बता दूं अखिलेश आनंद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन शोभना, क्या है वो बड़ी बातें, बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, जिसका इंतजार था रूबिका, बजट पेश कर दिया गया है और निर्मला सीतारमण का ये सबसे छोटा बजट भाषण है, लेकिन समय जाया नहीं करेंगे और 10 क्या बड़ी बातें हैं वो फटाफट बता देते हैं। मिडिल क्लास के लिए अच्छी खबर नहीं है, टैक्स स्लैब में किसी तरीके की कोई छूट नहीं दी गई है, यानी इनकम टैक्स बिल्कुल वैसे के वैसा ही रहेगा। उम्मीद थी लोगों को कि शायद कोरोना की मार के चलते हुए टैक्स में कुछ छूट दी जा सकती है, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार की मजबूरी की बात एक्सपर्ट्स पहले ही कर रहे थे, आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा, ये एक बड़ी घोषणा है। क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगेगा, ये कहा जा रहा था कि क्रिप्टो करेंसी बिल आ सकता है, लेकिन अब क्रिप्टो करेंसी पर 30% का टैक्स लगेगा। एमएसपी सीधे किसानों से, किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए एक रिकॉर्ड खरीद की बात भी इस बजट में की गई है, लेकिन 5G टेक्नोलॉजी की, यानी टेलीकॉम सेक्टर के लिए खबर ये दी गई है कि 5G सेक्टर को लॉन्च किया जाएगा। और चलिए फॉरन में रुक करूंगी रूबिका का, तो रूबिका कुछ ड्रीम बजट जिसकी बात निर्मला सीतारमण ने पिछले साल कही थी, ऐसा कोई ड्रीम बजट तो नहीं लगता है, लेकिन चलिए एक्सपर्ट से आगे जरूर बात होगी। क्या ये लोभावन बजट था, क्या ये मनभावन बजट था, इसी के बारे में आप डिटेल में फिर कह रही हूँ चर्चा की जरूरत आन पड़ी है। सारे खास मेहमान यहाँ, ये देश का हार्ट इस वक्त जो एबीपी न्यूज ने खास देश के दर्शकों के लिए बनाया है, अलग अलग टेबल पर अलग अलग सेक्टर के विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो 90 मिनट के इस भाषण से निकल कर आई है वो ये कि एक डिजिटल करेंसी जो है देश की सरकार लॉन्च करने वाली है, और दूसरा ये कि क्रिप्टो करेंसी से जितनी भी कमाई है उस पर 30% जो टैक्स है वो लगने वाला है, और इसी को थोड़ा आप समझने की जरूरत है। ABP News, आपको रखे आगे।